हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। तो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से। तो आज हम लोग आए मस्जिद बंदर मुंबई में। यहाँ पे बहुत सारे लेडीज कपड़े, अलग 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 तरीके के कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करेंगे, किसकी काय के लिए, शादी के लिए। तो मेरे व्लॉग में बने रहो, आज मजा आने वाला है। और काफी लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं बनाऊंगा व्लॉग। तो चलो ना, एक नए दिन की शुरुआत करते एक नए व्लॉग से। चलो ना शुरू करते हैं। इस मस्जिद को सबसे पहले किसने देखा, मैं आप लोगों को बताऊं। तो अभी कैसा है, हम लोग, मैं, अजहर भाई और गुफरान एक रिक्शे में, वो रिक्शे वाला अभी गैस भरवा रहा है, और बाकी अम्मी, फुरकान और पी सब चले गए रिक्शे में। वो लोग कल्याण पहुंच गएंगे, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, कल्याण स्टेशन। और कल्याण स्टेशन से हम लोग जाएंगे CST, तो लोकल से जाएंगे, मजा आएगा। 7 CST, 5 7 7 चार निकाल दो, 7 निकाल, अजून 3 काढा। हजरत निजामुद्दीन की ट्रेन आ रही है, क्या करें, मंगला एक्सप्रेस चले सीधा दिल्ली है ना, सीधे दिल्ली चले, इससे चले। अरे 2-3 है, कहाँ आए, सारा तुम कसारा ही चली जाओ, कसारा वाली जल्दी आ रही, कसारा चली जाओ। ले भाई, मंगला एक्सप्रेस आ गई, चले दिल्ली, एर्नाकुलम मंगला एक्सप्रेस। तुम लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं यार, केसरिया तेरा कभी कभी तेरे नखरे गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलाटामधील अंतरावर लक्ष द्या। कृपया गाडी से उतरते समय गाडी के पायदान। तो ये पहुंच गए हम लोग मस्जिद बंदर। एक्चुअल में स्टेशन का नाम सिर्फ मस्जिद है, जगह का नाम पूछोगे तो जगह का नाम मस्जिद बंदर। और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, मुंबई की सबसे बड़ी मार्केट है। जो चाहिए वो मिलता है, जैसे कि लोगों के हाथों में सामान दिख ही रहा है, जो चाहिए वो मिलता है यहाँ पे। यहाँ आते ही जैसे ही उतरे मस्जिद बंदर, उतरते ही साथ भूख लग गई, और यहाँ पे सब खाना खाने के लिए बैठ गए होटल में। खाने में ऑर्डर किया है, एक मटन हांडी ऑर्डर किया है, और एक चिकन अफगानी ऑर्डर किया है, और पनीर ऑर्डर किया है, सिंगापुरी राइस। सिंगापुरी राइस मेरे लिए सबसे अच्छी है, गुफरान की डिश लग रही है, सजा के इसके स्नैपचैट डालने वाले सबने इसको सजाया, ये मैंने लगाया, ये अपी ने लगाया, और ये गुफरान ने निकाला है। अच्छा खाना था, मजा आ गया खाके। यही है होटल, फूड कॉर्नर जिसका नाम है, बहुत मजा आया खाके। तो अभी हम लोग खाना खाके निकल गए, और जिस होटल में हम लोगों ने खाना खाया वो फूड कॉर्नर नाम था उसका। तो सारे काम, तो मतलब सारे काम, मेरे कहने का मतलब हम लोग आ गए, पहुंच गए, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो एक्चुअल जिस काम से आए प्रॉपर, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना शादी के लिए, अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ से अभी वो शायद स्टार्ट करेंगे हम लोग। मार्केट शुरू होती है, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी ना जो यहाँ आए और खाने चले जाए। ये तो ऊपर का है ना गाउन, ज्यादा बेकार मुझे यही लगता है कि जूता उतारो फिर जूते पहनो, फिर जूता उतारो फिर जूते पहनो। मैं जिस दुकान में था उस दुकान से मैं बाहर निकला, और मैंने व्लॉग बनाते बनाते जूते पहने, और जितनी देर में मैं जूते पहन रहा था उतनी देर में मेरे घर वाले पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। मैं चाहता तो मैं उन्हें कॉल भी कर सकता था, मगर वो कहते हैं ना, व्लॉग बनाते वक्त अकल घास चरने चली जाती है। मैं हूँ कॉन्टेंट का भूखा, वो सुना ही होगा आपने, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, ढूंढने लगा अपने घर वालों को। तो देखो जरा मेरी बेवकूफ़ी। अरे मार्केट से भी निकल गए क्या, कहाँ गए कहाँ गए। अरे बहुत कपड़े है यार इधर तो, बाप रे बाप, कहाँ गए यार तुम है। अरे मैं खो गया क्या,
खाने पता ही यार सब तो एक जैसे दिख रहे कहाँ गए यार ये लोग हैं या नहीं है उधर साइड गए क्या कहीं किसी दुकान में घुस गए क्या इधर गए मैं कब से ढूंढ रहा हूँ ये वाली दुकान के अंदर ओ वाओ माशाल्लाह इसके अंदर तो मेरे को जाना ही पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा मैं यार आगे चला गया वहां ढूंढने लगा कहाँ गए पाकिस्तानी ड्रेस तो बहुत है यार सब पाकिस्तानी है ना मम्मी इसके अंदर में गया जूते उतारे मैं वापस आया क्यों क्योंकि ज्यादा थोड़ा अलग स्पेशल चाहिए कुछ अलग से चाहिए यूनिक से चाहिए इन लोगों को दुल्हन के लिए लेना है ना भाई तो ऐसा नॉर्मल वाले ले नहीं सकते तो मेरा तो कुछ देखना है नहीं मैं मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या कैसे अच्छे होते क्या बोले मुझे सभी अच्छे लग रहे हैं जितने टंगे है ना जितने टंगे चमक रहे हैं सभी अच्छे लग रहे हैं मैं इसमें अपना कोई पसंद ही नहीं मतलब हर जगह देख ले रहा ऐसा नहीं कोई शोरूम में भी देख ले रहा छोटी दुकान में भी देख ले रहे वाओ अच्छा लग रहा है ना वाओ तेरे को समझता है क्या समझ में आ रहे तुम कपड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा बस मेरे को ना वीडियो में दिखा रहा हूँ कि हाँ मैं देखो कपड़ा देख रहा हूँ आप भी इन लोगों ने लाइट कितनी हैवी लगा रखी है पूरे कपड़े सब चमक रहे हैं कैसे भी कलर हो सब अच्छा लग रहा है इतनी हैवी लाइट लगाए ये यहाँ बहुत भीड़ है यार इधर पाकिस्तान में अच्छा तो पाकिस्तानी बहुत बिकते हैं क्या जाओ तुम लोग जाओ अब मैं अंदर नहीं जा रहा बहुत सारे सूट मिल गए हैं देखो ये बोर्ड लगाए ना ये जो बाहर लगे तो बाहर वाले प्राइस में मिल जाएंगे लेकिन अंदर जाओगे तो प्राइस अलग अलग रहेंगे अलग अलग प्राइस में रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे ये जो लगे बाहर 750-700 के देखो ये ऐसे इसमें भरा हुआ है ये टिकली नहीं है ये इसमें सब छुपाया हुआ है गोम से ऐसे ऐसे बहुत सारे सूट है यहाँ पे लेकिन जैसे अंदर जाओगे आप दुकान के अंदर तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्राइस में अलग अलग सूट है कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो यहाँ आ जाए और खाली चले जाए क्योंकि कपड़े हर किसी की रेंज में है यहाँ पे सस्ते थे सस्ता अच्छे थे अच्छा महंगे से महंगा था एक से एक खूबसूरत ब्रांडेड नॉर्मल सब कुछ है उन लोगों को ऐसे ये सब कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे मतलब ये सेल लगी हुई है ना 450-550-750 ये सब उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा उनको चाहिए थोड़े स्पेशल तो वो आगे आगे चल रहे देखो दिख रहे लेकिन ये येलो में ज्यादा अच्छा दिख रहा पता नहीं अच्छा है अच्छा दो शादी है दोनों लड़कों की लड़की की शादी वो कोई तुम्हारे साथ नहीं आया कोई उनमें से आया नहीं ये है एक अच्छा हम ही तो है क्या वो उसके ऊपर प्रिंट ही बहुत अच्छा लग रहा है ऑर्गेन्जा के ऊपर है ना हाँ देखो थोड़े अच्छा है ना यार कुछ तो इसमें तो देखो इतने तो सारे हैं नई चीज वो है जो पसंद आ जाए हाँ ये बात अब आदत हो गई तुमको आदत हो गई ना रखने से पहले अब दाम बोलने की तो नहीं आई हाँ इतने का ये हाँ लग रहा है वो दो अच्छे लगे है ना तुका अन्ना मुझे तो चमकता हुआ हर सूट अच्छा लग रहा है मेरे से मत पूछो ये है 2650 पहनने के बाद ये है 4850 4850 ये आ गया बनारसी इतना भरा हुआ ही रहता है ना हमेशा हैवी दुपट्टे ये देखो थोड़ा रानी और मरून कलर दिखाओ ना एक रानी इसको बताओ ये बैठी और रानी में चाहिए ब्रासो के कपड़े का नाम है ये हॉट पिंक रानी हॉट पिंक पहनने के बाद हॉट दिखेगा इंसान कलर ऐसा है ना लाल है ना रानी पिंक है हॉट पिंक हमारी दाल तो गलने से रही हमें रहना है सिर्फ खामोश और देखना है बस कुछ नहीं करना यार बोल के कुछ हो ही नहीं रहा 3-4 ड्रेस बोल चुका है उसका कोई मतलब सब ये बोल अच्छा नहीं तो पता नहीं मेरे को मेरी पसंद खराब होगी शायद नहीं समझता सब अच्छा लग रहा है जितने दिख रहा है ये देखो चमक रहा है अच्छा लग रहा है खूबसूरत लग रहा है चमकता हुआ हर कपड़ा अच्छा लग रहा है और यार लाइटें भी इतनी है तो चमकेगा ही और बड़े बहुत है ये कम से कम कितनी दुकान होगी 8वीं 9वीं होगी ना 8वीं 9वीं दुकान होगी बहुत कपड़े हैं भाई ऐसे हल्के में थोड़ी ऐसे पटाख से ले लेंगे किसी भी दुकान में घुस के
देख के लेंगे। दुल्हन का है भाई, ये देखो ये सब कलर है, कलर देखो किसके लिए, किसके लिए मतलब। हाँ अच्छा, सूफिया के लिए। ले भैया सूफिया, तुम्हारे लिए कपड़े बताओ, उंगली रखो कौन सा लोगी। अम्मी हाथ रे नाम फेर दो। ये वाला ये वाला ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा सेम वही चीज़ है लेकिन इसमें अच्छा लग रहा है, उसमें अलग ही लग रहा है। खोलो भाई साहब, ये दुकान वाले खोल रहे। कम से कम 8 से 9 दुकानों में जाने के बाद फिर एक दुकान में जरा देखे हैं तो वहाँ से भी सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ी लिए, ज़्यादा कपड़े लिए नहीं। ये वाली दुकान है, यहाँ से इन लोगों ने लिया है और अभी भी अंदर है, वो लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं। मैं बाहर आ गया क्योंकि मेरे को बस बहुत हो गया, अभी भी देखो आप ढूंढ रहे, बाहर हो गया मेरे से। अब अंदर मतलब ऐसे ही सब चालू, लेकिन नहीं बर्दाश्त हो रहा था बस। ये यहाँ से ऐसे ये पूरी लंबी मार्केट है, दूर तक, काफ़ी दूर तक, बहुत लंबी मार्केट है। कपड़े जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा कपड़ा चाहिए वैसा कपड़ा मिलेगा। तो आप सब ये वाली दुकान में गए, मेमन स्टोर, इसमें भी चलते हैं, बुला रहे हैं। काफ़ी कपड़े देख रखे होंगे शायद, ओ, देख तो रखे हैं। अदनान ये देख कौन सा वाला, ये और ये, अरे रुक देखो, एक ये कलर है, ये देख, ये देख।